हेलो, मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं IEC यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी परस्यू कर रही हूँ और मेरे को इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं इधर आके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकूँ और वो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ऐड कर सकूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। IEMD का स्टाफ, यहाँ पे जो पेशेंट्स आए उनके बीच में मेरे को कंपैशन देखने को मिला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, बहुत पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ के सारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की। इनिशियली ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टफ़ होगा ऐसे पेशेंट्स को कंसोल करना जो फिज़िकली भी डिसेबल हैं, क्योंकि सबको पता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक इनक्योरेबल डिसीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको पेशेंट्स को मेंटली कंसोल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो हार चुके होते हैं, उनको अंदर से चाहनी होती है और उनको ऐसा लगता है कि हम बाकियों से अलग हैं। तो उस टाइम पे हमारा काम डबल हो जाता है क्योंकि आपको उनकी बॉडी की नॉर्मल मूवमेंट्स तो रीगेन करनी है, उनको मेंटली भी संभालना है। तो टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की, यहाँ पे सारा स्टाफ काफ़ी अच्छा है, हर तरीके से हमें हर पक्का सपोर्ट किया गया है। और एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आई विल ऑलवेज चेरिश दीज मोमेंट्स बिकॉज दीज आर गोना स्टे फॉर लाइफ टाइम और ये मेरे को हेल्प करेंगे मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। और अभी मेरा करियर स्टार्ट हुआ है तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, तो मैं पूरे IEMD को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।